अब्दुल जाकिर साहब, आपके जो फर्जन अभी जो है एग्ज़ाम दे के आए और फार्मेसी हो चुके हैं वो, तो आपने किस तरह से उनको फार्मेसी की तरफ ढकेला? पहली बात तो वो करने को लगाया था मैंने, नंबर नहीं आ रहा था उनका। इसके बाद मैं उनको बोला भाई आप फार्मेसी कर लो, और उसका इंटरेस्ट भी था उसमें बच्चे का, तो इसलिए मैं लोन लेके ये करके वो बच्चे को फिर बोला ये भाई हमारे भाई के जरिए थ्रू गुलबर्गा हम उनको भेजे, वहाँ एडमिशन हो गया। तो इसमें आपको कोई ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानियों का करना पड़ा, पैसे एडजस्ट करना, फीस उनकी टाइम पर भरना, उधर से प्रेशर आए कभी तो भाई ये हम एग्ज़ाम को नहीं बैठने दिए, तो फीस एडजस्ट करके हमने भरा है। और उसके बाद वो बच्चों ने भी बहुत तकलीफ़ उठाया वहाँ, यानी आउट ऑफ स्टेट कर्नाटक, वहाँ उनके खाने पीने की भी परेशानी, वो सब एडजस्ट किया उन्होंने, रहना खाना पीना, तो वो सब तकलीफ़ उठा के उनके ऊपर भी था वो। मेरा मैंने जो पैसा लगाया था वो कामयाब हुआ। यानी आप इससे खुश है? खुश है। आपने जो मेहनत की, हाँ, अपने बच्चों के लिए, हाँ, तो आपके बच्चों से आपको क्या उम्मीद है? बच्चों से मुझे ये उम्मीद है भाई अभी जो हालात है, जैसे बीमारी चल रही है कोरोना की पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया परेशान है, तो अब ये बच्चों ने ये फील्ड में जाके कुछ वो लोगों की खिदमत करना चाहिए, और कुछ नगर पालिका गवर्नमेंट भी उनको साथ देना चाहिए कि भाई आप इधर आ जाओ, आप एक्सपीरियंस भी ले लेंगे और आप खिदमत भी हो जाएगी, तो उनको भी एक्सपीरियंस आ जाएगा और पब्लिक को आवाम को भी फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। आज आप फार्मेसी कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कौन कौन से आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा पढ़ाई के दौरान? अब आप सब तो जानते हैं जैसा कि पढ़ाई के लिए आज के ज़माने में मुश्किल का सामना तो करना ही है, पढ़ाई की क्या आसान नहीं है, पढ़ाई आसान नहीं है करना, मेहनत करना पड़ती है रात दिन, अगर कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ खोना पड़ता। मेरा बोलना तो यही चाहिए, ये जो फील्ड है हमारी मेडिकल फील्ड डी फार्मेसी, इसमें नहीं है क्या मुस्लिम बच्चे नहीं क्या बहुत ज़्यादा, मतलब एक हिसाब से कम है, अगर इसमें अगर बढ़ चढ़ कर अगर हम हिस्सा लें तो आने वाले मतलब जैसे अभी कोरोना जैसी बीमारियाँ चल रही हैं तो ऐसी हलाक बीमारियों का हम सामना कर सकते हैं, मतलब हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं और लोगों की खिदमत कर सकते हैं। अभी कोरोना वायरल इस वक्त पूरे इंडिया में क्या पूरी दुनिया में चल रहा है, और आप इस वक्त औरंगाबाद में मौजूद है, यहाँ पर भी ये वायरल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, तो इसके लिए आप कुछ खिदमत कर सकते हैं? अगर मुझे मौका मिला तो बेशक मैं इसके लिए खिदमत करूँगा, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर हो या मेरे खुद की तरफ से हो, मैं कोरोना पेशेंट्स की खिदमत ज़रूर करूँगा अगर मुझे मौका मिला तो। अबरार साहब, आप 2 साल आपकी पढ़ाई गुलबर्गा में की है, आपने हॉस्टल में रह के की है, तो आपको कौन कौन से परेशानियों का सामना करते हुए आपने ये पढ़ाई की? ये पढ़ाई करने के लिए तो बहुत परेशानी भी हुई, मतलब खाने की हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना, फिर मेस का खाना, तो आप कंटिन्यू समझो आप पर्सनल औरंगाबाद में रहते और आप गुलबर्गा में थे, वहाँ पर ज़्यादा तौर चावल खाना पड़ता है, तो वो लाइफ आपकी कैसी रही, आपको क्या महसूस हुआ कि हम सिर्फ कंटिन्यू चावल ही खा रहे, रोटी कभी आपको मिली नहीं? हाँ, रोटी तो हमें मिलती नहीं थी और चावल खा कर हम बहुत बोर हो गए थे, तो घर पर आकर रोटी खाते थे चावल। तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि यार हमारे वाली साहब ने हमको कहाँ पर ला के छोड़ दिए, किधर ला के पटक दिए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब पढ़ाई करने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ तो उठाना पड़ती है पढ़ाई के लिए। तो आपके वालिद साहब ने कोई ऐसी मेहनत की आपके लिए, ऐसा लगता आपको ऐसा कभी? वालिद साहब की तो बहुत मेहनत है, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और अभी आप फार्मेसी हो गए, कंप्लीट हो गया आपका जी, आपके वालिद साहब ने आपके लिए बहुत मेहनत की, अभी आप बहुत जज्बे में और जोश में हैं तो आपके वालिद साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे आप यहाँ से बढ़ जाएंगे तो उनका एहतराम बरकरार रहेगा या फिर आप आपके रास्ते पे जाएंगे? नहीं, एहतराम तो बरकरार रहेगा, ये वालिद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं जो उन्होंने इतनी हालातों का सामना कर हमें पढ़ाया लिखाया। इस महामारी के
दौर में अगर आपको फील्ड पे अगर कोई चांस मिला तो आप उसको निभा सकते हैं, कर सकते हैं? जी एहतियात कर तो हम ज़रूर निभाएंगे। इस कोरोना में हमें चांस मिला तो गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ भी, हम ज़रूर आवाम का हेल्प कर सकेंगे इंशाल्लाह। आपका पूरा नाम? मेरा नाम सही है शाहिद है। शाहिद भाई आपने फार्मेसी कंप्लीट करके औरंगाबाद आ चुके हैं जी, तो आपके आगे के प्लानिंग क्या है? अभी प्लानिंग तो यही है, अभी हम मेडिकल में प्रैक्टिस करेंगे, फार्मेसी के बाद ज़रूरी है मेडिकल में प्रैक्टिस करना। अभी हम 2 महीने हमने की अभी मेडिकल में प्रैक्टिस और 1 महीना करके अभी जो रिज़ल्ट हमारा आ गया तो उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेट के लिए दे देंगे हम, उसके बाद MRCP या कोई मेडिकल पे जॉब एज करेंगे। यानी आपकी जस्तोजु है काम करने की? जी आगे काम करने। आरएफ देशमुख साहब, आपने आपके फर्जंद को जो फार्मेसी कराए हैं तो किन हालत में कराए? देखिए अभी हम लोग, मैं सहाफत में 22 साल से हूँ, अभी आज महंगाई के ज़माने में तालीम तरबियत करना बच्चों की बहुत नामुमकिन है। ऐसे हालात में जब बच्चा 12th हुआ तो मेरे पास कुछ पैसा वगैरह कुछ था नहीं, मेरे यूनिक फाउंडेशन के जो सदर है, मेरे जो उस्ताद है पत्रकारिता क्षेत्र के रफीउद्दीन रफीक साहब, उन्होंने ऐसे हालात में हमारे बच्चों को गुलबर्गा में एडमिशन दिलाए SR कॉलेज में, और उसकी फ़ीस जो थी वो किस्तों में उन्होंने करवा कर दी। उसकी फ़ीस कितनी थी? उसकी फ़ीस 130,000 रुपये थी, और रहना खाना वापर और 5,000 से 6,000 रुपये तकरीबन महीने के लग जाते थे, और इतनी इनकम भी नहीं थी कि हम उनको तालीम दे सके बच्चों को। फिर आपने ये एडजस्टमेंट कैसे की? कि शहर के कुछ दानशूर लोग हैं जो मैं पत्रकारिता क्षेत्र में जिनसे मेरे रिलेशन है, ताल्लुकात है अभी तक के 22 साल में, तो वो लोगों ने मेरी मदद की, जैसे डॉक्टर सत्ताज पठान हो गए, इलोराया कंस्ट्रक्शन के अनवर सेठ हो गए, और कुछ ऐसे दानशूर है शहर के, उन लोगों ने मेरे बच्चे की फ़ीस भरने के लिए मेरी मदद की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जो आज मेरा बच्चा डी फार्मेसी हो गया और वो मुकम्मल उसका रिज़ल्ट आ चुका है, और मैं चाहता हूँ कि आज जो कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसे मौके पर आज हालात जो है, ऐसे मौके पर वो जो मरीजों की खिदमत को अंजाम दे, ऐसी मेरी उम्मीद है। कभी आपके इन हालात में कभी आपके पास पैसा नहीं रहा, आप कभी मायूस हो गए, एकदम आप एकदम नर्वस हो के एक बैठ गए घर में कभी? नहीं, नर्वस तो नहीं हुआ, अल्लाह ने मेरी ऐसे मौके पर मदद की, मैंने स्ट्रगल किया, मैंने हिम्मत नहीं हारा। आपके जो साफी जितने हजरात हैं, जो दोस्त हैं आपके, जो पत्रकार हैं, तो उन्होंने आपकी कभी हिम्मत अफजाई की? हिम्मत अफजाई की, मेरे बहुत सारे साथी हैं, जैसे वाहिद कलाम साहब हो गए, अजहरुद्दीन साहब हो गए, अजहर चिश्ती, बहुत सारे दोस्त हैं, मराठी के भी हैं, सतीश जोशी जी हो गए सांझवार्ता के, अशफाक साहब हो गए, ये लोगों ने मेरी हिम्मत अफजाई की। शारिक साहब नक्शबंदी है, सलीम साहब हो गए सीनियर सहाफ़ी हमारे एशिया एक्सप्रेस के, और हमारे चीफ एडिटर जो है एशिया एक्सप्रेस के शारिक नक्शबंदी साहब, इन्होंने पल पल पर हमारी खबर ली और क्या समस्या आ रही है आपको पढ़ाई के दौरान 2 साल में, वो पूछताछ इन लोगों ने पूरे साल 2 साल में आपके पीछे समझो एक हिम्मत रखी कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब मैं इन्होंने तो हिम्मत अफजाई भी की, और मेरे घर वाले, मेरी मिसेस है, मेरा परिवार है, मेरे बड़े भाई लोग है, हमारे 6 लोग भाई है, इन्होंने मेरी पुरजोर मदद की वक्त वक्त पर, और मेरी जो बच्चे हैं वो भी अभी DED फाइनल ईयर में है माशाल्लाह। अभी जो है आपका बच्चा पास होकर आपके पास आ चुका है, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, अभी खुशी तो हमारे घर परिवार में भी है, मुबारकबाद भी दी है हमारे D24 के चाहने वालों ने भी, और हमारे दोस्त अहबाब ने, हमारे शहरिया ने, शहर ने भी बहुत मदद की, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देशमुख परिवार के पास, और इनके ख्यालात आपने अच्छी तरह से सुने कि किस कठिनाई में इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है, और इन बच्चों की भी उम्मीद यही है कि अच्छे से अच्छा आगे काम करना चाहते हैं। अगर इनको फील्ड में काम मिला तो बिल्कुल ज़रूर करना चाहेंगे। आज जो कोरोना वायरस का जो वायरल है, अगर महानगर पालिका से
इनको अगर कोई चांस मिलता है तो इनकी ऐसी उम्मीद है कि उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और इनके वालिद साहब से भी बात हुई है, ये भी अपने बच्चों की कामयाबी पे बहुत खुश है। और कोई भी हो, हर वालिद ये चाहता है कि अपने बच्चे आगे से आगे बढ़े। इनके पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए इनके जो बच्चे आगे बढ़े, उनकी भी ख्वाहिश ही है। बहुत मेहनत करके इन्होंने अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाया। अब देखना यह है कि इनके फर्जंद आगे कहाँ तक इनकी कामयाबी को लेकर जाते हैं। अब्दुल वाहिद फारूकी, वाहिद कलाम, औरंगाबाद।